घर के कंस्ट्रक्शन में सब टाइल डिजाइन और साइज के पीछे भागते हैं। टाइल वर्क और मार्बल वर्क में जितना ही इम्पोर्टेंट डिजाइन है, उतना ही इम्पोर्टेंट मार्बल और टाइल लगाने का प्रोसेस है, क्योंकि यदि आप अच्छे से लगाएंगे नहीं तो बाद में आपकी टाइल्स मार्बल दोनों ही क्रेक होते हैं, क्योंकि नीचे होलोपन रह जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यहाँ पर जो सबसे पहला कार्य किया गया है वो बेस कॉन्क्रीट का किया गया है। नीचे फर्श अच्छे से साफ करने के बाद में हमने 1:4:8 के रेशियो में मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कॉन्क्रीट का, और इसकी जो थिकनेस है 3 इंचेस रखी गई है मैट की। यहाँ पर जो सेकेंड चीज हमने इस्तेमाल की है वो है वाटर और सीमेंट के घोल का यहाँ पर, क्योंकि ये जो है स्टोन को लगाने में अच्छे से हेल्प करता है। जो हमने उसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे मोर्टार हम, वो सैंड और सीमेंट का मिक्स होगा, जो कि 1:6 के रेशियो में रहेगा। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा डिटेल में किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना है। और सबसे पहले जो आपका बेस कॉन्क्रीट हो जाता है उसके बाद में आपको लेवल लेना है। जैसे कि यहाँ पे धागा लगा हुआ है हमारा लेवल का, कि हमें स्लोप किस तरफ देना है, पानी किस तरफ निकालना है। और यदि आप प्लेन लगाना चाहे तो प्लेन भी लगा सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और जो सेकंड थिंग है हमें यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोर्टार जो यूज हो रहा है हमारा 1:6 के रेशियो में। इसमें एक बैग जो है दोस्तों आपका सीमेंट रहेगा और 6 बैग सैंड के इस्तेमाल होंगे, है ना। और जो मटेरियल ऐसा बनाना है कि ना तो ज़्यादा गीला हो और ना ही ज़्यादा सूखा हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का मटेरियल चाहिए। और उसके ऊपर जो घोल डाला जाता है तो प्रॉपर सेट होता है वो मटेरियल। और आपको इसमें इलेक्ट्रिक के जो पॉइंट जो आपने दिए होंगे बाहर दीवारों पर, तो उसके लिए अगर पाइपिंग वगैरह जाना हो फ्लोर से तो वो चीज़ आप पहले ही निकाल दें पाइपों को, जिससे कि बाद में आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो वायरिंग के पास आउट में। और इसी तरीके से पानी की भी, अगर वाटर लाइन अगर आपकी जाना हो पोर्च में या बाहर, तो वो भी आप पहले ये काम करवा लें, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो कटिंग की। इस तरीके से आपको प्रॉपर फिलिंग करना है जो हमने मोटर बनाया है उसे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मिस्त्री अभी प्रॉपर फिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे स्टोन के नीचे। अब इस पत्थर को जो है नीचे सेट करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना है और इसके एजेस मिलाने अच्छे से प्रॉपर कोने, ये एजेस मिला के इसको यहाँ पर सेट कर रहे हैं। और जो आपकी स्टोन कटिंग है ना दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप जितना छोटा साइज कटिंग करेंगे तो उतनी ज़्यादा लाइनें आएगी। और इसमें बड़ा साइज भी कटिंग किया जा सकता है, ऐसा इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको छोटा ही करना है, बड़े भी कर सकते हैं पीसेस। ये आपके थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी स्ट्रेंथ का स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसे फिक्स किया और फिक्स करने के बाद में जो इसके एजेस है उस पर एक बार हम यहाँ पे ग्राइंडर चलवा देंगे यहाँ से, जिससे कि हमारी जो लाइन आ रही है मार्बल की वो प्रॉपर मैच हो और प्रॉपर फिक्स हो जाइए। किसी भी तरीके का अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें लाइन खींच देते हैं ग्राइंडर से। जो हमने घोल का मिक्स बना के रखा हुआ था वाटर सैंड को, वो इस तरीके से यहाँ पर फिल अप करना है, जो कि मोटर के ऊपर डालेंगे, क्योंकि हमारा स्टोन जो है हमने फिक्स कर लिया है मटेरियल नीचे, जो कि होलो ना रहे। और उसके बाद में यहाँ पर हमने जो घोल बनाया है उसे इस तरीके से फिल कर देंगे यहाँ पे अच्छे से। और फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जिगजैग में लाइनें डाल देंगे, जिससे कि जो सेटलमेंट है स्टोन का वो अच्छे से पकड़ करेगा, क्योंकि जो स्टोन है वो हमारा प्लेन है, इसलिए यहाँ पर जिगजैग लाइन लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और इसके बाद में जो है दोस्तों उसके ऊपर फिर घोल डालेंगे। जो हमने मोटर यूज किया है ना दोस्तों, उसमें प्रॉपर ये जो घोल है अंदर तक चले जाए, इतना घोल डालना है आपको। घोल डालने के बाद में इस पत्थर को वापस जो हमने एडजस्टमेंट किया था पहले उसी तरीके से सेम रखना है, उसी पोजिशन पे। इस पोजिशन पर रखने के बाद में अच्छे से उसको सेट करेंगे। किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या गत्ते का, जो लकड़ी का बना हुआ हो उससे आप इसको थोड़ा ठोक लीजिए, इसके कोने वगैरह सभी चीज़ें मैच करके अच्छे से इसको सेट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से सेट करना है हमें। इतना ज़्यादा भी नहीं ठोकना है कि टूट जाए। और सब चीज़ें ये होने के बाद में इस तरीके से आपको फिनिश मिलता है मार्बल डिज़ाइन जो है पोर्च में, जो हमने यूज़ किया था। इसकी जो है ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग होने के बाद में जो टेक्सचर होते हैं वो उभरते हैं
और विदाउट ग्राइंडिंग के आपको इस तरीके के टेक्सचर नहीं मिलेंगे, तो इसकी ग्राइंडिंग भी करवानी पड़ती है आपको, और पॉलिश कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना बेहतरीन और ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों।